सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो शरीर शुरू करते हैं फटाफट से आज की इस वीडियो को और फटाफट से ट्रेन टॉक्स के इस एपिसोड को, गलती से वीडियोस बोल दिया। सो यहाँ पे फटाफट से मैं बताता हूँ आपको मेरे पास आज क्या क्या अपडेट है आप लोगों को बताने के लिए। तो सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कालका मेल को लेकर के। उस टाइम पहले खबर आई थी कि जो रेलवेज है वो अपनी ब्लू आई सी एफ कोचेज है उसकी कलर स्कीम को थोड़ा चेंज करेगा और कलरफुल टाइप के कोचेज लाएगा आई सी एफ डिब्बों के अंदर ही। तो यहाँ पे जो शुरुआत करी जा रही है वो कालका मेल से करी जा रही है। अभी तक फिलहाल इसके कुछ दो चार डब्बे जो कि किसी कोच फैक्ट्री के अंदर मिले हैं, स्पॉट करे गए हैं, जिनका कलर जो है चेंज कर दिया गया है और उसके ऊपर जो नेम प्लेट है वो ऑलरेडी लगी हुई है कालका मेल की। तो देखते हैं कि कब तक आपको देखने को मिलती है। और कुछ आर एस वगैरह ने इसकी वीडियो बना के इसको स्पॉट भी करा है कालका मेल के अंदर दो चार डब्बे जो है कलर चेंज वाले हैं। दोस्तों पिछले महीने 23 अगस्त के आसपास या पिछले महीने 23 अगस्त को बिहार संपर्क क्रांति के अंदर 10 डब्बे जो है चेंज कर दिए गए थे एज अ मिथिला पेंटिंग, ठीक है, मिथिला पेंटिंग कर करके। तो अब यहाँ पे अब 1 अक्टूबर से, मतलब जो कल दिन बीत गया उससे, पूरी बिहार संपर्क क्रांति के अंदर जो जितने भी डब्बे हैं 19 के 19 कोचेस को मिथिला पेंटिंग से डिज़ाइन कर दिया जाएगा। सो अगर आप में से कोई ट्रैवल करने वाला है तो अब उसको सिर्फ एसी डब्बे ही नहीं स्लीपर डब्बे भी जो है रीपेंटेड मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे के अंदर ही आता है ये हिस्सा। इन्होंने दो ट्रेन को एलएचबीफाई कर दिया है। सबसे पहले ट्रेन का नाम है यहाँ पे इनका बांद्रा हरिद्वार एक्सप्रेस, जो कि 4/10 यानी कि 4th of October यानी कि कल से एलएचबीफाई हो जाएगी। और एक ट्रेन है बांद्रा लखनऊ वीकली, जो कि 8 तारीख से वो हो जाएगी। आई थिंक मेरे हिसाब से इन दोनों के बीच में आर एस ए होगा, इस वजह से दोनों को एक साथ करा जा रहा है। दोस्तों हम कितनी बार ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और जैसे मान लो कोई पर्सन है जो प्योरली वेज खाना खाता है, मतलब एक ब्राह्मण फैमिली से आता है, सब कुछ वेज खाता है, तो उसको बड़ा अजीब लगता है कि उसका को पैसेंजर नॉन वेज खा रहा है, या बड़ी दिक्कत सी होती है। इसको लेकर के यहाँ पे एक PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ था गुजरात हाईकोर्ट के अंदर और उन्होंने फैसला निकाला है कि रेलवे जो उनका जो उनका रिजर्वेशन सिस्टम है यानी कि उनका जो PRS है उसमें एक अपडेट करो और वेज वालों को अलग सीट अलॉट करो और नॉन वेज वालों को अलग सीट अलॉट करो। मतलब कि जितने भी नॉन वेज पैसेंजर है उनको एक जगह बिठाया जाएगा डब्बे के अंदर और जितने वेज वाले हैं उनको पूरे डब्बे में एक जगह बिठाया जाएगा। तो मई के महीने में मैंने आपको ट्रेन टॉक्स में एक अपडेट दिया था कि गांधी जयंती यानी कि आज 2 अक्टूबर के दिन रेलवेज जो है अपनी ट्रेनों के अंदर जितनी भी प्रीमियम ट्रेन चलती है राजधानी शताब्दी वगैरह उन सब में नॉन वेज मील्स को ऑफर नहीं करेगा और सिर्फ वेज मील को ऑफर करा जाएगा। तो रेलवे बोर्ड ने इसको विचार करके इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। एक्चुअली रेलवे बोर्ड ने प्लान करा था कि 2 अक्टूबर ऑफ 2018 2019 एंड 2020 को वेजिटेरियन डे सेलिब्रेट करा जाएगा और इस दिन सिर्फ वेज मील करी जाएंगी। फिलहाल इस प्लान को ड्रॉप आउट कर दिया गया, अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे, क्योंकि अभी ऐसी रिकमेंडेशन आ रही थी कि भाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ दोनों ही मील को सर्व करा जाए, ऐसा करना थोड़ा कहीं ना कहीं गलत होगा। दोस्तों यहाँ पे रेलवेज जो है प्लान कर रहा है एक स्पेशल ट्रेन जो कि साबरमती लेक स्टेशन है वहाँ पर चलेगी जयपुर के अंदर के पास वाले एरिया में। तो ये जो ट्रेन है वो चलेगी 12 मार्च से। ट्रेन की जो थीम है वो ये है कि जो डांडी मार्च होती है गांधी जी की उनको शुरू करवाना। तो जो ट्रेन का नाम है वो रखा गया है यहाँ पे स्वच्छता एक्सप्रेस और कहा यह जा रहा है कि इस ट्रेन के जो टिकट्स हैं वो भी इशू करे जाएंगे गांधी जी के वाटरमार्क के साथ, मतलब आप टिकट के ऊपर भी गांधी जी का वाटरमार्क बना हुआ आएगा। सो देखते हैं कि कब होता है, कैसे होता है और क्या फर्स्ट टर्न करने को मुझे मिलता है या फिर नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ मैं आपसे एक और अपडेट को लेकर के। सो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है, इस रेलवे स्टेशन को बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया गया है फ्रॉम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अल्फोंस ने। क्यों करा है? क्योंकि इस रेलवे स्टेशन के ऊपर दो टूरिस्ट सेंटर हैं, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर हैं, एक तेलंगाना टूरिस्ट सेंटर है या टूरिज्म सेंटर है और कई सारे IRCTC के सेंटर बने हुए हैं। अलॉन्ग विद दैट 10 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर 2322 सीट्स अवेलेबल हैं, 8 वेटिंग लिस्ट हॉल्स हैं। क्लीनिंग वगैरह के मामले में स्टेशन बहुत अच्छा है। सोलर पावर अपना खुद का इसका आई थिंक 500 केवी का सोलर पावर प्लांट है जिससे पूरे स्टेशन की LED वगैरह को ये रन करता है। सो आज के ट्रेन टॉक्स के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुभम कुमार सैनिक फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। खत्म, चलो हो जाओ पीछे।